डिजिट हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, डिजिट हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए रिव्यू कर रहे हैं लिनोवो का आइडियापैड 330 लैपटॉप। ये एक बजट लैपटॉप है और इसकी कीमत शुरू होती है 25,699 रुपये से। और जो वेरिएंट इस वक्त हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें मौजूद है AMD का E2 9000 प्रोसेसर, 4GB की रैम, इंटीग्रेटेड AMD ग्राफिक्स कार्ड और 14 इंच की नॉन IPS HD LCD डिस्प्ले। इस लैपटॉप में जो ग्राफिक्स कार्ड है वो AMD का है, प्रोसेसर भी AMD का है, 4GB की रैम है और 1 TB की हार्ड ड्राइव मौजूद है इस लैपटॉप में। तो चलिए देखते हैं कि क्या, अगर आप एक बजट लैपटॉप की तलाश में हैं तो क्या आपको लिनोवो आइडियापैड 330 कंसिडर करना चाहिए या नहीं। शुरुआत करें बिल्ड और डिज़ाइन से तो आइडियापैड 330 का डिज़ाइन काफ़ी हद तक आइडियापैड 330S जैसा ही दिखता है, लेकिन इन दोनों लैपटॉप्स में डिज़ाइन के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आइडियापैड 330 की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से प्लास्टिक की बनी हुई है और इसमें एक मैट लाइक फिनिश मौजूद है इसके लिड पर, जो कि इसको एक मेटालिक लुक प्रोवाइड करती है। इसकी लिड का जो सरफेस है और इसकी लिड का जो बेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स है और आपको ये फ्लेक्स तब देखने को मिलेगा जब आप अपनी उंगलियों से इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे और इसको उठाने की कोशिश करेंगे। इस लैपटॉप का वजन है 2.1 kg, लेकिन इसके बावजूद ये लैपटॉप काफी हद तक लाइट वेट है और आपको इसे यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लैपटॉप ज्यादा भारी नहीं है। अगर आप इसके कीबोर्ड पर जोर से टैप करेंगे तो आपको एक अननेसेसरी फ्लेक्स देखने को मिल जाएगा। इसके कीबोर्ड की सरफेस और इसके लिड का कलर सेम है और इन दोनों पर एक ब्रश्ड टेक्सचर मौजूद है। लैपटॉप के डिस्प्ले की साइड्स पर काफ़ी मोटे ब्लैक बेजल्स मौजूद हैं और इसके जो लिड का सरफेस है उसमें एक लेनोवो का बड़ा सा लोगो दिया गया है। इसका डिस्प्ले 180 डिग्रीज तक फोल्ड हो जाता है। ये काफ़ी यूजफुल फीचर है उनके लिए जो अपने बिस्तर पर या अपने सोफा पर इस लैपटॉप को यूज़ करते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो लेनोवो आइडियापैड 330 दो डिस्प्ले वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक वेरिएंट में आपको मिलता है 14 इंच का नॉन IPS LCD पैनल जिसका रेजोल्यूशन HD रेजोल्यूशन है और दूसरे वेरिएंट में फुल HD IPS LCD पैनल मौजूद है। जो मॉडल हमारे पास है, जो इस वक्त हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें मौजूद है एक नॉन IPS HD डिस्प्ले और लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डिसेंट है। इस स्क्रीन की ब्राइटनेस इंडोर यूसेज के लिए काफ़ी अच्छी है लेकिन आउटडोर यूसेज के लिए अच्छी नहीं है। इसके डिस्प्ले की एक और चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगी वो है इसके कलर्स, जो कि काफ़ी वॉश्ड आउट दिखाई देते हैं और इसका टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रेनी दिखाई देता है, टेक्स्ट में क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इस लैपटॉप में जो इनबिल्ट स्पीकर्स हैं उसका ऑडियो काफ़ी क्लियर है लेकिन उतना दमदार नहीं है। इसके स्पीकर्स वोकल्स सुनने के लिए काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उससे ज़्यादा आप इनके स्पीकर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं लेनोवो आइडियापैड 330 में मौजूद पोर्ट्स की। इस लैपटॉप के सारे पोर्ट्स एक ही साइड पर दिए गए हैं। इस लैपटॉप में मौजूद है एक पावर पोर्ट, एक लैन पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, दो फुल साइज USB पोर्ट्स, एक 3.5mm ऑडियो जैक हेडसेट्स के लिए और एक कार्ड रीडर स्लॉट, और ये सारे के सारे पोर्ट्स इस लैपटॉप की लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं। इस लैपटॉप की राइट साइड पर आपको सिर्फ एक ऑप्शनल DVD ड्राइव देखने को मिलती है, लेकिन ये DVD ड्राइव ऑप्शनल है। असल में इस लैपटॉप पर कोई DVD ड्राइव मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ग्रे कलर का प्लास्टिक कैप है ये दिखाने के लिए कि आप इसमें DVD ड्राइव अलग से लगा सकते हैं। बात करें अगर कीबोर्ड और टचपैड की तो हमें कीबोर्ड पर होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन फंक्शंस के लिए कोई भी डेडिकेटेड कीज़ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। इस लैपटॉप की कीज़ फ्लैट दिखाई देती हैं और इनकी फील थोड़ी सी शैलो है, लेकिन रोज़मर्रा में टाइप करने के लिए ये लैपटॉप का कीबोर्ड डिसेंट है। लेकिन इसके बावजूद हम आपको इस लैपटॉप पर ज़्यादा देर तक टाइपिंग करने के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे। इसके कीबोर्ड में बैक लाइटिंग मौजूद नहीं है, इसलिए डार्क सिचुएशंस में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी इस लैपटॉप पर टाइप करने में। इस लैपटॉप का टचपैड एक प्रिसिशन यूनिट नहीं है और लिनोवो ने इसमें कोई भी एडिशनल टचपैड यूटिलिटी इंक्लूड करके नहीं दी है, और जिसका मतलब ये है कि आप इसके टचपैड को टैप्स या स्वाइप्स के अकॉर्डिंग सेटिंग में जाकर चेंज नहीं कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो लिनोवो आइडियापैड 330 की परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक है और ये लैपटॉप काफ़ी स्लो है। इस लैपटॉप में मौजूद है 7th जनरेशन AMD E2 9000 APU,
4GB की RAM, 1TB की हार्ड ड्राइव और एक इंटीग्रेटेड AMD GPU। इस लैपटॉप का बूटअप टाइम है 2 मिनट 5 सेकंड। अगर आप Google Chrome पहली बार लॉन्च करेंगे तो ये 28 सेकंड में लॉन्च होगा, और अगर उसके बाद बार बार लॉन्च करेंगे तो उसे लॉन्च होने में कम से कम 6 सेकंड लगेंगे। इसका स्टार्ट मेन्यू भी पहली बार और इनफैक्ट हर बार लॉन्च होने में 2 सेकंड लगाता है। Lenovo IdeaPad पर ब्राउजिंग करना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। हमने इस लैपटॉप पर क्रोम में सिर्फ 6 टैब्स ओपन किए थे, लेकिन वो सारे टैब्स अपने आप बार बार रीलोड हो रहे थे। हमने इसके ऑडियो प्लेबैक में भी थोड़ा लैग एक्सपीरियंस किया, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप इस लैपटॉप पर YouTube पर फुल HD वीडियोस बड़े आसानी से प्ले कर सकते हैं। बात करें अगर बैटरी लाइफ की, तो बेंचमार्क टेस्ट पर Lenovo IdeaPad पर हमें 153 मिनट्स का टाइम देखने को मिला एक सिंगल फुल चार्ज के बाद, और ये टाइम Lenovo IdeaPad 330S से 7 मिनट ज़्यादा है। डेली यूसेज के दौरान ये लैपटॉप हमें 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप देता था, जो कि डिसेंट है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप एक बजट लैपटॉप की तलाश में हैं, तो हम आपको Lenovo का IdeaPad 330 बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे। ये वेरिएंट जो इस वक्त हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें जैसा कि हमने बताया, मौजूद है AMD का E2 9000 प्रोसेसर, 4GB की RAM, 1TB की हार्ड ड्राइव, AMD के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और 14-inch की नॉन IPS HD LCD डिस्प्ले। ये सारे फीचर्स सुनने में अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन असल में ये लैपटॉप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है इसकी। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उतनी भी मतलब कुछ सवाल हैं हमारे मन में इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी करी गई है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़े से सवाल हैं हमारे मन में। और इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है इसकी। और अगर आप एक अच्छे बजट लैपटॉप की तलाश में हैं, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाएं, और अगर आप 35,000 के आसपास खर्च कर सकते हैं, तो आपको Lenovo का IdeaPad 330S मिल जाएगा। ये रहा उसका रिव्यू का लिंक, आप जाकर इसका रिव्यू देखिए। हमने ऑलरेडी इस लैपटॉप का रिव्यू अपने चैनल पर डाल रखा है। इस लैपटॉप में यानी कि Lenovo IdeaPad 330S में आपको मिल जाएगा 14-inch का फुल HD IPS LED डिस्प्ले, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर जिसे क्लॉक किया गया है 2.2 GHz पर, 4GB की RAM, 1TB की हार्ड ड्राइव, और ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है अगर आप Lenovo IdeaPad 330S को कंपेयर करेंगे Lenovo IdeaPad 330 से। तो 330S में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, ये एक अच्छा बजट लैपटॉप है। तो ओवरऑल हमारा रिव्यू यही है कि Lenovo IdeaPad 330 एक अच्छा लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं है, और हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप Lenovo का IdeaPad 330S खरीदें। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं, तो हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने सवाल। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिजिट हिंदी की वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। हम बहुत जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुँचने वाले हैं, तो आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डिजिट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।